हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं आपको दिखाने जा रही हूं, अरे जरा किताब उठा दीजिए, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारी जो है दुर्गा माता का आठवां रूप। जो नौ दुर्गे हैं, हमारी दुर्गा माता हैं, उनका जो आठवां स्वरूप है, आज मैं आपको वो भी दिखाने जा रही हूँ। और उन्होंने भी एकदम सफ़ेद रंग की जो है वो साड़ी पहन रखी है, और मैं आपको उनका एक चित्र दिखा देती हूँ, जिनका नाम महागौरी है। आप देख सकते हैं ये चार भुजा वाली देवी जी हैं। एक हाथ में इन्होंने डमरू ले रखा है, एक हाथ में इन्होंने त्रिशूल ले रखा है, बैल पर ये सवार हैं, मृगछाला इनके बैल के ऊपर पड़ी हुई है, सफ़ेद रंग की साड़ी और सफ़ेद रंग का मुकुट के साथ बड़ी ही खूबसूरत लग रही है हमारी देवी जी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको इनका श्रृंगार करके दिखा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सब ने साड़ी पहन रखी है, तो मैंने भी साड़ी ही पहनाऊँगी जब इनका स्वरूप साड़ी का है। तो फ्रेंड्स, मैं लगा के देख रही थी कि आखिर देवी जी लग कैसी रही हैं, तो अच्छी लग रही हैं ये हमारी देवी जी, इन्हीं को हम तैयार करेंगे। तो जरा बताइए किस हाथ में त्रिशूल रखा है उन्होंने, इसमें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है साड़ी वो पहले से पहनी हुई है, तो मैं इसी हाथ में जो है इनको साड़ी पहनाऊँगी, और इसे हर बार की तरह, जैसे मैंने पिछली बार टक कर दिया था, इसी बार की तरह मैं इसे ऑल पिन से टक कर दूँगी। और फ्रेंड, जैसे कि मैं थक गई हूँ और हस्बैंड जी जो है वो काम बढ़ा रहे हैं मेरा, पूरी ऑल पिन गिरा दी। क्यों गिरा दिया आपने, गुस्सा आ गया था आपको, गुस्सा आई आपको, मुझे लग रहा है ऐसा। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड जी को गुस्सा आ गया मुझे लगता है, इसीलिए ऑल पिन उन्होंने गिरा दिए मेरी। तो चलिए, ये यहाँ पर जो है त्रिशूल ऐसे आ जाएगा फ्रेंड्स जी। तो ये मैंने ने यहाँ पे तैयार कर दिया, कुछ गहने मैंने पहले पहना दूँ, क्योंकि अगर तैयार कर दिया तो उसके बाद गहने पहनाना मुश्किल हो जाएगा। तो एक मैंने ने सफ़ेद रंग का ये हार पहनाया है, सफ़ेद क्या, गोल्डन जो स्टोन वाला हार होता है वो है ये, क्योंकि सब कुछ इन्होंने जो है वो वाइट ही धारण कर रखा है। इनफैक्ट इनकी साड़ी भी वाइट ही है, उसमें वाइट कलर की ही लेस लगी हुई है। तो लहंगा इन्होंने नहीं पहनना है फ्रेंड्स, नहीं तो मैंने इतना बढ़िया लहंगा पहना देती। दिखाएँ ज़रा, वो लहंगा दिखा देना, हाँ यही, मैं तो वाइट कलर के लहंगे लेके आई थी, ये वाले जी, लेकिन ये लहंगा नहीं पहनेंगी, साड़ी ही इन्होंने पहन रखी है, तो मैंने साड़ी ही पहनाऊँगी। कहने का मतलब पारंपरिक कपड़े इन्होंने पहने हैं, तो मैंने पारंपरिक कपड़े ही पहनाऊँगी। तो ये वाइट कलर की मैंने माला धारण करवा दूँगी, लेकिन ये माला थोड़ी बड़ी हो रही है यार। हाँ, बड़ी माला ही पहना, ठीक है इस तरीके से, ये सही। तो फ्रेंड्स, ये हमने इन्हें माला पहना दी, अच्छी लग रही है ना। तो ये इन्होंने माला पहन रखी है, ये चार भुजा की है, तो दो भुजा इनकी यहाँ हो गई हैं, और यहाँ कितनी भुजा है, इसमें तो उन्होंने डमरू ले रखा, एक हाथ इनका खाली है, तो ये दो हाथ इनके यहाँ खाली हैं। अब बकाए कि इन दो हाथों को फ्रेंड्स देखना पड़ेगा कि क्या करें। लाइए झुमके दे दीजिए इनके पहले, तो चलिए कोई नहीं, पहले हमने पहना ले। तो फ्रेंड्स, इस साड़ी को हम यहीं से जो है वो इसी प्रकार से मोड़ के सही कर देंगे, और पल्लू जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, तो ये मैं आगे ले आऊँगी इस तरीके से जी, और इसे माला के ऊपर कर दूँगी। कायदे से ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे रुक जाइए, मैं लगा देती हूँ ना, फिर करती हूँ, ऐसे छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल तो। और इन्होंने भी बाल जो है वो, बाल कैसे इनके, बाल बंधे हुए हैं ना, छोटी है तो फ्रेंड्स, इनके बाल जो है वो लगभग बंधे हुए हैं, वो बंधे ही हुए हैं, वो सब नज़र नहीं आ रहे हैं, इनके बाल नज़र नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम भी इनके बाल नहीं दिखाएंगे। अगर नज़र नहीं आ रहे हैं तो क्यों दिखाएं, बेमतलब का काम मैं नहीं कर पाती फ्रेंड्स। तो चलिए, इन्हें हम कुछ और पहनाते हैं, इनका मुकुट जो है, अब सफ़ेद रंग का मुकुट तो फ्रेंड्स मेरे पास शायद ही हो, तो हमारे इस जादू के डिब्बे में तो नहीं है, हल्का सा वाइटिश ग्रीनिश मुकुट है, तो यही पहनाने की जो है मैं कोशिश करूँगी जी फ्रेंड्स। तो ये मुकुट जो है मैं इन्हें धारण करवाऊँगी, देखें जरा मुकुट कैसा लग रहा है, मुकुट ठीक है, हरे रंग का है, ठीक है। अब सफ़ेद नहीं है तो क्या करें, ठीक है, अब सफ़ेद नहीं है तो मैं क्या करूँ बताएं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इन्हें जो है वाइट रंग का मुकुट धारण कर दिया है, आप देख सकते हैं, नोच पिन मैंने इनकी हटाई नहीं थी, क्योंकि वाइट कलर की थी तो मुझे लगा चलिए आगे काम आ जाएगी, तो नोच पिन इनकी लगी ही हुई रहने दी। और मैं इन्हें अब लगा दूंगी बिंदी, वो भी वाइट कलर की ही लगाऊंगी, स्टोन वाली,
जी फ्रेंड्स, तो इन्हें मैंने वाइट कलर की, देखिए बिंदी इनकी ठीक लगी है, ये तो फ्रेंड्स ये वाइट कलर की मैंने इन्हें बिंदी लगा दी है, बड़ी ही प्यारी लग रही है हमारी देवी जी मुकुट में। अब चलिए, अब हम इन्हें जो है वो पल्लू उड़ाते हैं। पल्लू उड़ाते किस प्रकार हैं देखते हैं। वैसे उसमें उन्होंने पल्लू आगे कर रखा है ना, कि साइड में है पल्लू। तो फ्रेंड्स इस साड़ी को मैंने धोया भी था, उसके बाद भी इसकी जो है वो नहीं निकली है, क्या बोलते हैं कॉटन में जो होता है, माड़ नहीं निकली है फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से कर रखा है ना उन्होंने पल्लू। तो चलिए हम ऐसे ही दिखा देते हैं, कंगन दे दीजिए। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है इनका स्वरूप, वाइट कलर के। एक्चुअली मेरे पास दो ही कंगन हैं, दो ही हैं, तो मैं हो सकता है कि दो कंगन वाइट पहनाऊँ, दो कंगन कोई और पहनाऊँ, चारों मल्टी कलर के नहीं, दो वाइट मोती वाले हमने लड्डू गोपाल के कंगन लिए थे ना, उसी प्लेट में थे। कहाँ गई वो प्लेट, उसी में देखें। तो फ्रेंड्स दिख नहीं रहे, आई डोंट नो कहाँ चले गए हैं, क्योंकि हस्बैंड जी का काम है, एक तो पहले काम फैला दिया है, हेल्पिन फैला दी है सारी। तो चलिए कोई नहीं, हम इनको ऐसे ही तैयार करते हैं, हमारी देवी जी ऐसे ही तैयार हो जाएंगी। और देवी जी का हर स्वरूप जो है वो बहुत ही प्यारा होता है, तो इन्हें ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये खुद ही इतनी प्यारी हैं। तो फ्रेंड्स ये अब हम इन्हें त्रिशूल इस हाथ में दे देते हैं। जी तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। और फ्रेंड्स ये क्या मजाक है, डमरू है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये इस तरीके की कलाकारी के चक्कर में पता है इन्होंने क्या किया, इन्होंने गिरा दिया है जो है, क्या गिराया आपने बताएंगे अपने मुंह से, पिन, इन्होंने पिन गिरा दी फ्रेंड्स, मेरा मतलब इन्होंने काम बढ़ा दिया। तो फ्रेंड्स वैसे इन्होंने इस हाथ में डमरू जो है धारण कर रखा है। मैं आपको एक आइडिया के लिए बता देती हूँ, इस हाथ में इनके डमरू है, ये हाथ इनका ऐसे ही जो है वो खाली है, खुला हुआ है कहने का मतलब। तो ये हमारी महागौरी जी का एक रूप है जो कि मैंने आपको दिखाया। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स इनका ये रूप, आपको देवी जी कैसी लग रही हैं, इस साड़ी में आपको देवी जी कैसी लग रही हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और फ्रेंड्स आप लोग नवरात्रि में क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, देवी जी के किन रूपों की आप आराधना करते हैं, किन किन रूपों से आप उन्हें देखना चाहते हैं, और क्या क्या आप कर रहे हैं, सारी डिटेल्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्रृंगार के साथ, और जब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे, जय माता की, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स प्लीज़। तो आप देख सकते हैं हमारी देवी जी का श्रृंगार, देवी जी लग रही हैं बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही खूबसूरत। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।